ये हम पढ़ेंगे झरिया टू बी शिफ्टेड कोल फायर कैटास्ट्रोफ, मतलब कोयले की जो खान है वहाँ पर आग से बचाने का ये यंत्र है। अंडरग्राउंड पढ़ा नहीं जा रहा, ये कोल यूनिट फाइंड ₹300 करोड़ इन डैमेज, ओवर 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ, तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वर नॉट इन प्लेस। तो ये जो है ऐसे आर्टिकल्स हैं यहाँ पर कोयले कोयला खानों में जो दिक्कतें आती हैं मनुष्यों को और वहाँ पर जो हैजर्डस होता है सारा, तो वो उसके बारे में इनमें आर्टिकल्स में बताया गया है। तो स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग ए किलर इंडस्ट्री। तो जो माइनिंग है वहाँ पर कानून इतने ज़्यादा सख्त होने चाहिए कि उनको लागू करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि एनवायरमेंट के लाजमान लागू हो सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि माइनिंग में ऐसे दुर्घटनाओं से बचा जा सके ताकि वो एक किलर इंडस्ट्री ना बन जाए। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के बचाव के लिए है। कंजर्वेशन का मतलब होता है उनको संभालना। वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल्स डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। तो हम इन मिनरल्स पर डिपेंड करते हैं, इसकी इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हमें एग्रीकल्चर के लिए मिनरल्स डिपॉजिट्स और सब्सटेंसेस को जो वहाँ से बनती हैं इसके लिए उनकी ज़रूरत है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स इज़ एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन दैट इज़ 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो बहुत ज़रूरी जो मिनरल्स हैं जो धरती की क्रस्ट में हैं वो सिर्फ 1% हैं जो यूजेबल हैं। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल सोर्सेज दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो उनको बनने में करोड़ों साल लगे हैं जिनको हम बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं। द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो। तो जो धरती के अंदर मिनरल फॉर्मेशन की जो क्रियाएं हैं वो इतनी धीमी हैं दैट द रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर इन्फिनेटली स्मॉल। तो जो रिप्लेनिशमेंट का रेट है यानी दोबारा बनने का जो रेट है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन। तो उसका जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका रेट बहुत ज़्यादा है। मिनरल सोर्सेज आर देयरफॉर फिनाइट, यानी कि वो लिमिटेड हैं एंड नॉन रिन्यूएबल हैं, उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर अवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस। हमारे पास जो बहुत महंगे मिनरल्स हैं हमारे देश के अंदर तो वो बहुत कीमती हैं परंतु वो थोड़ी देर के लिए रहने वाले हैं। कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड टू इंक्रीजिंग कॉस्ट एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ। तो जैसे जैसे हम खोदते जाते हैं तो वो जो खान होती है वो गहरी होती जाती है, तो उसकी एक्सट्रैक्शन या उसका निकालना और ज़्यादा महंगा होता जाता है। फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स अलॉन्ग विद डिक्रीज इन क्वालिटी, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी कम हो जाती है। ए कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हैज़ टू मेड इन ऑर्डर टू यूज़ अवर मिनरल सोर्सेज इन प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। तो एक ऐसी योजनाओं पर काम होना चाहिए, ऐसी एफर्ट्स हमें किए करने चाहिए जिससे जो मिनरल सोर्सेज हैं उनको योजनाबद्ध तरीके से और सस्टेनेबल मैनर से, सस्टेनेबल का मतलब आगे अगली जनरेशन तक भी वो चीज़ें बची रहें, इस हिसाब से हमें उनको यूज़ करना चाहिए। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड टू अलाउ यूज़ ऑफ द लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। तो हमें नई तकनीक की खोज करते रहना चाहिए ताकि हम लो ग्रेड मिनरल्स को लो कॉस्ट पे यूज़ कर सकें। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप्स
इन कंजर्विंग अवर मिनरल सोर्सेज फॉर द फ्यूचर। तो हम जो मेटल्स हैं, टूटी फूटी मेटल्स हैं, कबाड़ जो है उसको रिसाइकल मेटल को करते रहें या दूसरे तरीके अपनाएं जिससे मिनरल सोर्सेज को कंजर्व किया जाए। आगे है एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज हमारे हैं कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, सभी कामों के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ नीडेड टू कुक, हमें भोजन बनाना होता है। टू प्रोवाइड लाइट करनी होती है, हीट के लिए चाहिए। टू प्रोपेल व्हीकल्स और व्हीकल को चलाने के लिए, एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज, कारखानों में हमें मशीनें चलानी पड़ती हैं। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाले एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे, एक तो पेट्रोलियम है, एक कोयला है, नेचुरल गैस है और यूरेनियम है और इलेक्ट्रिसिटी है। एनर्जी सोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिक हाइडल एंड थर्मल, दोनों तरह के। तो जो कन्वेंशनल यूज़ है ये हम पहले से करते आ रहे हैं, जो वो है इसमें फायरवुड का मतलब लकड़ी है, कैटल डंग केक पाथियाँ हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, कुदरती गैस है और बिजली है, दोनों तरह की। एक तो पानी से बनने वाली है, एक हीट से, थर्मल से, कोयला जला के पानी गर्म करके भाप बना के उससे टरबाइन घुमा के बिजली बनती है, उसको थर्मल पावर प्लांट में होती है वो। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उसमें सोलर विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी है, जो नॉन कन्वेंशनल है। ये इसकी अभी खोज हुई है। तो फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल एरियाज़, तो गाँवों में ज़्यादा लोग लकड़ी और काउडंग केक्स यानी पाथियाँ इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड इज़ मेट बाई दीज टू। तो 70% जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो इन्हीं दो चीज़ों से गाँव में आती हैं एस्टिमेट के हिसाब से। तो कंटिन्यूशन ऑफ दीज इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिफ़िकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया, तो जंगल के अधीन जो क्षेत्र है वो कम हो रहा है, इसलिए ये जो सोर्सेज हैं ये कम हो रहे हैं। मोर ओवर यूजिंग डंग केक टू इज़ बीइंग डिस्करेज्ड, तो जो गोबर की पाथियाँ जो बनाते हैं उसको यूज़ करना जो है उसको निरुत्साहित किया जाना चाहिए, बिकॉज इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूबल मैन्योर, तो ये खाद जो होती है हमारे खेतों में जानी चाहिए तो वो इसमें जल जाती है। बोथ कुड बी यूज इन एग्रीकल्चर, तो उसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाना चाहिए। यहाँ तक ही पढ़ते हैं।